जय राम जी की दोस्तों, स्वागत है आपका वापस से एक और नए वीडियो में। पिछले वीडियो में आपने देखा हम जलालपुर से करबला कासिमपुर होते हुए और किछौछा पर आए थे, और आज यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ से थोड़ा आगे चलेंगे किछौछा कस्बे से, तो हमें दरगाह शरीफ पर जाने का रास्ता मिलेगा। ये आप बोर्ड देख सकते हैं, और यहीं से दाएं साइड में एक रास्ता गया हुआ है। ये आगे गेट है और ये दरगाह को जाएगा, जहाँ पर पूरे भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं, जो उन्हें चढ़ाना होता है वो चढ़ाते हैं। तो अभी चलते हैं बसखारी की तरफ। बसखारी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल सटा हुआ है, लेकिन नाम अलग अलग है, आपको पता भी नहीं चलेगा। 2-3 किलोमीटर केवल बसखारी से पड़ता है। और बसखारी शहर की खासियत की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉनिक और फलों का हब है। यहाँ पर फल बहुत ही कम रेट में मिलते हैं। अदर जगह अगर आपको 70 रुपये किलो मिल रहा है, तो यहाँ पर 40 से 50 रुपये किलो हर एक फल मिलेगा। और सेम ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक के सामानों की भी हैं, और भी खासियतें हैं। तो अभी हम आ चुके हैं बसखारी के मेन चौराहे पर। सीधा जाएंगे तो टांडा होते हुए बस्ती, और अगर दाएं जाएंगे तो आजमगढ़ और रामनगर को सड़क जाती है, और अगर हम बाएं जाएंगे तो अकबरपुर होते हुए अयोध्या, फैजाबाद और लखनऊ को चले जाएंगे। तो अभी हम चलते हैं अकबरपुर की तरफ, यानी कि बाएं। बसखारी अंबेडकर नगर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिटी है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सामान और फल ये सब तो सस्ते मिलते हैं, साथ ही साथ में यहाँ पर मिठाइयों की बहुत बड़ी वैरायटी है। आप अगर यहाँ पर आते हैं कभी, तो यहाँ की मिठाइयाँ ज़रूर खा के जाइए। बंगाली स्वीट हाउस फेमस है। पूर्वांचल यहीं से शुरू होता है, इसके आगे जाएंगे तो पूर्वांचल, और इसके पश्चिम साइड में आएंगे तो आपको अवध का पूरा क्षेत्र मिलेगा, और यहाँ से आपको लखनऊ, प्रयागराज, बनारस, बलिया, मऊ, गोरखपुर, राजे सुल्तानपुर, डुमरियागंज के लिए बसें मिल जाएंगी आराम से। आप कहीं भी आ जा सकते हैं। और अभी हम बसखारी के बाहर आ चुके हैं। ये हरैया बाज़ार है, ये पूरा क्षेत्र हरैया के नाम से जाना जाता है। और अगर इसके आगे हम चलेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत बड़ा डांड़ है। डांड़ मतलब पूरा एकदम सुनसान इलाका है। आपको दूर दूर तक कोई आदमी नहीं नज़र आएगा, कोई गांव नहीं नज़र आएगा। यहाँ पर पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा लूटपाट होती थी, जब ये इस रोड पर शाम हो जाती थी या दिन में भी हो जाती थी, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं, केवल शाम को ही होती थी। और आगे आपको एक बहुत बड़ा तालाब देखने को मिलेगा, हालांकि हम उसे पूरा नहीं दिखा सकते क्योंकि ये बहुत बड़े एरिया में है। ये बलिया देवहट का ताल बोला जाता है। आपको हल्की हल्की सफ़ेद सफ़ेद लकीर दिखाई दे रही होगी पानी की, और वही तालाब है। और यहाँ पर एक अघोर पीठ नाम से संस्था है, इसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं, जब कभी यहाँ बसखारी में हमारा आना होता तो बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं। यहाँ पर ये ऐसे ही बना हुआ है, पता नहीं क्या होता है। अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी हल्की हल्की बारिश की फुहारें पड़ रही हैं, और बेहतरीन मौसम का आनंद लेते हुए आपको हम ये वीडियो दिखा रहे हैं। और हम इसी ताल की बात कर रहे थे जो दिखाई पड़ रहा है, और इसके आगे चलेंगे तो हमें मसड़ा बाज़ार मिलेगा, जहां का समोसा बहुत ही फेमस है। हमने उसकी एक छोटी सी वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डाल रखी है, अगर आप देखना चाहेंगे तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। बहुत ही फेमस समोसा है, यहाँ से गुजरने वाले लोग यहाँ से ज़रूर समोसा खाकर जाते हैं। फ़िलहाल हम मसड़ा बाज़ार के आगे आ चुके हैं। मसड़ा बाज़ार को हमने इस वीडियो में स्किप कर दिया है, नेक्स्ट किसी और वीडियो में आपको मसड़ा बाज़ार दिखाएँगे। और अभी हम जहाँ पर हैं, ये रुद्रपुर भगाही नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर अब एक दो दुकानें हो गई हैं और एक पेट्रोल पम्प हो गया है। नहीं तो करीब 5 साल पहले के समय में यहाँ पर बहुत सारी लूट की घटनाएं होती थी। इसे भगाही का डांड बोला जाता था। आप देख सकते हैं दूर दूर तक गांव नहीं है, सेम जैसे पीछे आपको दिखाया था, सेम ऐसे यहाँ पर भी होता था। बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, हत्या, लूट राहगीरों से। बदलते हुए वक्त के साथ लोग भी बदल गए हैं,
और हम इसी पेट्रोल पंप की बात कर रहे थे। ये देखिए, एक अभी हाल ही में करीब 5-6 साल पहले खुला हुआ पेट्रोल पंप है, और इसके आगे चलेंगे तो चौधरी हनुमान प्रसाद कृषक महाविद्यालय देखने को मिलेगा। ये सामने आपको बड़ी सी बिल्डिंग और बड़ा सा मैदान दिखाई दे रहा है, यही है चौधरी हनुमान प्रसाद कृषक महाविद्यालय। और इसी के जस्ट बगल सटा हुआ एकदम शारदा सहायक नहर है, जो हम पिछले दो वीडियो से आपको दिखाते आ रहे हैं। ये देखिए, दो नहरें एक साथ हैं जो आजमगढ़ को गई हैं। और यहाँ से आगे चलेंगे तो वल्लीपुर एरिया स्टार्ट हो जाएगा, जो बरियावन के जस्ट पूर्व साइड में है। यहाँ से थोड़ा आगे और चलेंगे तो फिर असहुआ पार आ जाएगा, और वहाँ का इंटर कॉलेज बहुत ही पुराना है, आई थिंक तकरीबन 50 साल से ज़्यादा पुराना होगा। राम और जनता इंटर कॉलेज के नाम से है, वहाँ पर बच्चियों का और बच्चों का दोनों लोगों का स्कूल है। और हम इसी विद्यालय की बात कर रहे थे, ये हमारे यहाँ का मॉडर्न विद्यालय है। आगे की तरफ हमारी लोकल मार्केट बरियावन बाज़ार आने वाली है, और उसके पहले हम आपको दिखाते हैं, ये रोड के साइड में सफ़ेद सफ़ेद गिट्टक पड़े हैं, ये रोड के चौड़ीकरण का काम हो रहा है, और ये चौड़ीकरण अयोध्या से शुरू होकर बसखारी तक जाएगा, और उसके आगे तो सड़क चौड़ी है ही आजमगढ़ जाने के लिए। और ये अभी हाल ही में पास हुआ है, एक्चुअली में जो अयोध्या कॉरिडोर बनने वाला है, अयोध्या को पर्यटन दृष्टि से और सुगम बनाने के लिए रोड को और चौड़ीकरण का कार्य ये किया जा रहा है। तो हमारे यहाँ से अयोध्या तक पहुँचने में बहुत ही कम समय लगेगा, ये जब पूरा बनकर कंप्लीट हो जाएगा, हालांकि इसके बनने में अभी टाइम लगेगा। फ़िलहाल अभी हम आ चुके हैं बरियावन बाज़ार में, ये बरियावन बाज़ार का पूर्वी छोर है, और यहाँ से आगे चलेंगे तो आपको बच्चे स्कूल से छूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये रामौद में पढ़ने वाले बालक और बालिकाएं हैं जो छुट्टी के बाद घर जा रहे हैं, और अभी बारिश हो रही है, बेहतरीन वाली अच्छी खासी बारिश हो रही है, और हम बारिश का आनंद लेते हुए आगे चल रहे हैं। और ये बरियावन बाज़ार की बात करें तो बहुत ही छोटी मार्केट है, तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर लंबाई में है, और सड़क के दोनों तरफ दुकानें हैं, और उत्तर साइड में थोड़ा सा गाँव भी है, थोड़ा सा क्या बहुत बड़ा गांव है। और यहां पर अभी हमें मछली मार्केट के पास में, हमारे बरियावन बाज़ार में दो बैंक हैं, एक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और एक है बैंक ऑफ बड़ौदा, और यहां पर एक पोस्ट ऑफिस भी है, ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। और आगे चलेंगे तो एक पोस्ट ऑफिस मिलेगी और बैंक ऑफ बड़ौदा मिलेगा। तो हमारी ये छोटी सी मार्केट है, और इस छोटी सी मार्केट में भी दो बैंक हैं, और यहाँ पर हमारे ज़रूरत का तकरीबन सारा सामान मिल जाता है, और जो सामान नहीं मिलता उसके लिए हमें अकबरपुर टांडा या फिर बसखारी या फिर जलालपुर जाना होता है, हसवर हम लोगों के लिए उल्टा पड़ता है। और ये देखिए, ये मेन मार्केट है, अभी मार्केट के एकदम बीचों बीच में हैं हम, और ये देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा, जो यहाँ की बहुत ही पुरानी शाखा है। और बरियावन बाज़ार की आपको एक और ख़ास बात बताएँ, यहाँ पर सोनार की दुकानें बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पर आभूषण सोने चांदी के गहने मिलते हैं, बहुत ज़्यादा हैं। एक छोटी सी मार्केट में आपको 25 से 30 दुकानें मिल जाएंगी, अब और ज़्यादा बढ़ गई हैं। और अभी देखिए, बारिश की बूंदें थोड़ी तेज़ हो रही हैं, तो हमें जल्दी से घर निकलना पड़ेगा। और अभी हम आ चुके हैं बरियावन बाज़ार के चौराहे पर, यहीं से हम बाएं मुड़कर और जलालपुर की तरफ गए थे, सीधा अकबरपुर को जाएंगे, लेकिन हम चलते हैं दाएं साइड में अपने घर की तरफ। यहां से हमारा घर 3 किलोमीटर है मात्र,
तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। और हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा बसखारी से यहाँ तक का, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा उन लोगों को बहुत 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 दिल से धन्यवाद। और जिन लोगों ने नहीं किया है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आगे कर लीजिएगा, वरना बस ऐसे ही स्वाद चेंज के लिए हमारे वीडियो देख लिया कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की। All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see here, I should celebrate. Think I could change my